वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी मैं हूं निकत परवीन खान और पॉलिटी के आज के इस एफटीआर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सो लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन सो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा एंड द क्वेश्चन रीड्स एज़ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब की गई थी क्वेश्चन शायद आपका इंग्लिश में फ्लैश नहीं हो रहा होगा तो मैं इसको आपको बता दूं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सी जो है इसकी स्थापना इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और आपके ऑप्शन है सेकेंड अक्टूबर एटी सिक्स सेकेंड अक्टूबर एटी फाइव फोर्टीन ऑफ नवंबर सेवेंटी सिक्स और फोर्टीन ऑफ अप्रैल सेवेंटी एट क्या होगा इसका आंसर यस yes. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंड ऑफ अक्टूबर नाइनटीन देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्टीन ए से लिया गया है भाग चौदह का जो है हमारे संविधान का वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है आप जानते ही होंगे कि भाग चौदह का जो है वो हमारे संविधान में शुरुआत से नहीं था और इसका जो टाइटल है वो है ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण भाग चौदह का है अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स this particular part was added by 42nd amendment 1976 सेवेंटी बयालीसवें संवैधानिक संशोधन 1976 के जरिए बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में ऐड डिलीट और रिपील की गई थी चेंज की गई थी उनमें से एक एडिशन इस भाग का भी था ठीक है तो इस संशोधन के जरिए ये वाला जो भाग है उसे जोड़ा गया था और इसके साथ ही दो आर्टिकल्स जोड़े गए थ्री ए और थ्री बी ठीक जिसमें से जो 323 ए है वो ये कहता है कि संसद के पास अधिकार है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो भी आपके लोक सेवक होते हैं उनकी भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से जुड़े जो भी न्यायिक प्रक्रियाएं हैं या उनसे जुड़े जो भी डिस्प्यूट्स हैं जो भी आपकी कंट्रोवर्सीज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है पार्लियामेंट कैन फॉर्म एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ सेंटर और स्टेट एग्जैक्टर तो तीन सौ तेईस पार्लियामेंट को अधिकार देता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने का और ऐसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसे कि हमने अभी ऑप्शन में देखा नाइनटीन एट्टी फाइव में बनी थी ठीक है तो पार्लियामेंट ने अपने इसी अधिकार का प्रयोग कर कर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट लाया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1985 में और इसके जरिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया गया ठीक है सीएटी का गठन किया गया और ये सीएटी का जो गठन किया गया है वो इसी एक्ट के जरिए किया गया जिसका हेड क्वार्टर में है और इसकी कुल मिलाकर इंडिया में सेवेंटीन बेंचेज हैं या मैं कहूँ ब्रांचेज हैं ठीक है इसकी सत्रह खंडपीठ हैं सेवनटीन इसके ब्रांचेज हैं और इसका मेन काम क्या है टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द पब्लिक सर्वेंट टू द अग्रीव पब्लिक सर्वेंट दरअसल जो भी लोक सेवक हैं उनसे जुड़े जो भी उनकी भर्ती या सेवा शर्तों के मामले हैं उनको जो हाई कोर्ट्स में या दूसरे कोर्ट्स में पेंडिंग होते हैं वहाँ से ट्रांसफर करके कैट के पास भेज दिया जाता है और कैट क्या करते हैं अलग से उन मामलों को डील करके उनको जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश करता है और सही न्याय दिलाने की कोशिश करता है वो भी मिनिमम कॉस्टिंग के साथ तो स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जो जस्टिस है वो लोक सेवकों को मिल सकता है कैट के जरिए तो ये सारा का सारा जो प्रावधान है ये पार्ट फोर्टीन ए के तहत अस्तित्व में आया सी ए टी भी पार्ट फोर्टीन ए के तहत अस्तित्व में आया सो वॉट द क्वेश्चन आस्क ये जो सी ए टी बना है या मैं कहूँ क्वेश्चन पूछा है कि केंद्र प्रशासन अधिकरण की स्थापना कब हुई तो इसी भाग और इस अनुच्छेद के तहत दो अक्टूबर सन उन्नीस सौ

प्रशासनिक अधिकरण मतलब अभी हमने जिसका डिस्कशन किया एक्चुअली उसी ही हिस्से से क्वेश्चन है उसी टॉपिक से क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसके क्षेत्राधिकार यानी जो के अंडर इनमें से किसे नहीं रखा गया है और आपके ऑप्शन है सैन्य बलों के सदस्य यानी मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेज दूसरा है आपका सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के अधिकारी एवं सेवक यानी ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स तीसरा आपका ऑप्शन है संसद और राज्य विधानमंडल सचिवालय के कर्मचारी मतलब कि सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट और चौथा है आपका लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट्स तो देखिए क्या होगा इसका आंसर अभी अभी हमने जितना एक्सप्लेनेशन लिया उससे इसका आंसर डायरेक्टली दिखता है यस yes. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोक सेवक ठीक मतलब लोक सेवकों को इसके क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं रखा गया भाई हमने देखा ना अभी हमने देखा कि इसी पर्टिकुलर पार्ट से ये क्वेश्चन दिख रहा है इसमें हमने देखा कि ये पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है वो लोक सेवकों के ही भर्ती और सेवा शर्तों के डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए बनाया गया तो जाहिर सी बात इसमें पूछा है कि क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं रखा गया है तो इनको तो रखा गया है ना क्षेत्राधिकार के अंदर ठीक है तो जूरिस्ड्रिक्शन एक्सटेंड्स टू ऑल द पब्लिक सर्वेंट्स ठीक है पब्लिक सर्वेंट्स के तक इनका ज्यूरिस्ड्रिक्शन एक्सटेंड होता है असल में जो सी ए टी बना सी ए टी जो बना है इसके दायरे के अंदर मैं अगर एग्जैक्टली exactly बताऊँ कि कौन कौन आते हैं या मैं कहूँ कि इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार किन किन तरह की सेवाओं तक है तो सबसे पहले तो भाई ऑल इंडिया सर्विसेज में जो लोग हैं यानी अखिल भारतीय सेवाओं में जो नियुक्त लोग हैं उन तक इसका क्षेत्राधिकार विस्तारित है दूसरा आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी केंद्रीय लोक सेवाएं जो हैं उनके जो लोग हैं उनमें जो नियुक्त लोग हैं उन तक है तीसरा है आपका सिविल पोस्ट अंडर सेंटर यानी कि केंद्र के अधेर जो अधिक केंद्र के अधीन जो नागरिक सेवाएं हैं उन तक इसका क्षेत्राधिकार विस्तारित है और चौथा है सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस मतलब कि जो सेना में सेना में आपके जो सैन्य विभाग में आपके जो नागरिक कर्मचारी हैं या मैं कहूँ सिविल कर्मचारी हैं उनके लिए भी इसका क्षेत्राधिकार विस्तारित है मतलब ये चार तरह का लोगों का जो भी एडजुडिकेशन है जो भी डिस्प्यूट है जो भी कंट्रोवर्सी है उसे सी डील करता है यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण डील करता है तो ये सब तो इसमें शामिल है लेकिन इसी में स्पेसिफिकली ये जो बाकी के तीन ऑप्शन हैं ना वो दिया गया कि स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इसमें जो सैन्य बल के सदस्य हैं वो शामिल नहीं होंगे सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के जो अधिकारी और जो आपके सर्वेंट्स होते हैं वो शामिल नहीं होते और संसद और राज्य विधानमंडल के सचिवालय यानी पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरीट होता है उसके जो आपके मेंबर्स होते हैं वो शामिल नहीं होते सीएटी इनसे जुड़े मामलों पर कोई न्याय नहीं करता है याद रखेंगे इनमें ये तीन चार जो आप रिपीट में जाकर देख सकते हैं ये चार ही तरह की कैटेगरीज हैं जो इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं बाकी कोई नहीं ठीक है तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा इसमें इसके बाहर नहीं रखा गया मतलब इसमें कौन सा रखा गया है तो ऑप्शन डी लोक सेवक इसका सही आंसर होगा इज दैट क्लियर अस मूव ऑन क्विकली टू द क्वेश्चन नंबर थ्री सो क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है ठीक है मतलब क्वेश्चन है कि जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है वो इनमें से किसके रिकमेंडेशन के बगैर नहीं किया जा सकता है और आपके ऑप्शन से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वित्त मंत्री या सी ए जी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इसका करेक्ट आंसर होगा यस yes. इसका आंसर होगा बी राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट तो so, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये कहाँ से लिया गया है बजट के प्रोसेस से लिया गया है अनुच्छेद 112 के बाद से कुछ अनुच्छेदों में आप जानते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा और किस तरह से पास किया जाएगा उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है छह स्टेप्स में बजट पूरा पास होता है तो उसमें से एक स्टेज होता है जिसे हम अनुदान की मांग का स्टेज कहते हैं जब बजट प्रस्तुत होता है तो सबसे पहले उसमें आम चर्चा होती है जनरल डिस्कशन होता है ठीक है मतलब पहले तो प्रेजेंटेशन, बजट का प्रस्तुतिकरण उसके बाद उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होगा आम चर्चा तीसरा स्क्रूटनी बाय 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ जो आपकी विभागीय समितियां हैं वो उसका विश्लेषण करती है उसका अवलोकन करती हैं और उसके बाद जो चौथा चरण होता है बजट को पास करने की प्रक्रिया में वो होता है अनुदान की मांगों का स्टेज तो अनुदान की मांगे जो होती है वो अलग अलग मंत्रालयों द्वारा की जाती हैं एक एक करके और आखिरी में उसे एक डिमांड ऑफ ग्रांड वोट ऑफ ग्रांट के तौर पर वोटिंग के लिए रख दिया जाता है ठीक है तो कुल मिलाकर याद रखिएगा ये जो डिमांड फॉर ग्रांट होती हैं ये प्रेसिडेंट की अनुमति के बगैर नहीं रखी जा सकती और इस पर जो वोटिंग होती है इट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ लोकसभा इन पर इन्हें लाना और इन पर वोटिंग करना राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है केवल लोकसभा ही कर सकती है ऑन एंड ऑल हंड्रेड एंड नाइन डिमांड्स फॉर ग्रांट या अनुदान की मांगे होती हैं जिसमें से 103 नागरिक या सिविल मांगे होती हैं ठीक और छः जो होती हैं वो सैन्य मांगे होती हैं यानी कि डिफेंस से रिलेटेड मांगे होती हैं बत्तीस जो मांगे होती हैं वो रेलवे से रिलेटेड होती हैं तो ये जो है मंत्रालय ये अनुदान की मांगे के करके रखते हैं और फाइनली इस पर वोटिंग होती है ये बजट में मंत्रालयों को जो पैसा अलॉट होता है उसके लिए एक स्टेज है एक प्रोसेस है तो आपको यहाँ जानना ये है कि अनुदान की मांग जो होती है वो राष्ट्रपति की सिफारिश या रिकमेंडेशन के बगैर नहीं होती इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति इज क्लियर लेट इज नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर सो क्वेश्चन नंबर फोर रीड्स एज राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य नहीं होते इनमें से कौन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है उसके मेंबर्स नहीं होते ये है सवाल और आपको कुछ स्टेटमेंट्स या मैं कहूँ कुछ नाम दिए गए कुछ ऑप्शंस दिए गए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर्स क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रमुख रीजनल जो आपके पार्टीज़ होते हैं उनके जो हेड्स हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उसके अलावा है राज्यों के राज्यपाल ये पांच आपके दिए हैं और कोर्ट में दिया है केवल एक एक दो और तीन तीन चार और पाँच और केवल पाँच क्वेश्चन क्या है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल मतलब कि राष्ट्रीय एकता परिषद का सदस्य इनमें से कौन नहीं होता है तो क्या होगा इसका आंसर यस yes. इसका आंसर होगा डी केवल पाँच असल में ये क्वेश्चन जो है सन 1961 में बनी एक सरकारी सलाहकार कमीशन एक गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी नेशनल इंटीग्रेशन कमीशन या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से लिया गया है और ये जो कमीशन 1961 में बनी थी विच हैज़ अबाउट 147 फोर्टी सेवन मेम्बर्स राइट नाउ, 147 एक इसमें मेम्बर्स हैं ये गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी का मेन काम होता है भारत में कम्युनलिज़म कास्टिज़्म और रीजनलिज़म मतलब कि सांप्रदायिकता जाति व्यवस्था और क्षेत्रीयता से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके निवारण के वेज ढूंढना यस दिस एडवाइजरी बॉडी व्हाट डज इट डू क्या करती है ये इन दो तीन मुद्दों से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए प्लान्स बनाती है इट लुक्स फॉर द वे अहेड कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए और कैसे मेंटेन किया जाए इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी को तो इसीलिए इसका नाम लिखा गया नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल तो उन्नीस में बनी इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर से क्वेश्चन है उसकी संरचना से है में से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं होता है ठीक है तो देखिए इसमें जो लोग शामिल होते हैं ये एकदम हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि यही मतलब एग्जैक्टली यही मेंबर्स होंगे और उनकी कोई क्वालिफ़िकेशन होगी इसमें जनरली जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं ऑन्टरप्रीनियर्स इन्हें बिज़नेस मैन जो होते हैं वो होते हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ भी इसके मेम्बर्स होते हैं कुछ मीडिया के हेड्स भी इसके मेम्बर्स होते हैं और जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और आपके जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं ठीक है तो अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर्स सी एंड लीडर ऑफ अपोजिशंस ठीक है तो ये जो राजनीतिक सदस्य हैं उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं फिर बाकी जो सेलिब्रिटीज़ अंटरप्रीन्योर्स हो गए या फिर आपके जो मीडिया हेड्स होते हैं वो तो इनफॉर्मली हो गए इन लोगों में आप देख सकते हैं मैंने एक बार भी गवर्नर्स का नाम नहीं लिया तो आपके जो ऑप्शंस दिए हैं प्रधानमंत्री जब कैबिनेट मंत्री, तो प्रधान मंत्री तो प्रधानमंत्री तो होंगे ही सदस्य दूसरा केंद्रीय मंत्री जाहिर सी बात है ये भी सदस्य होंगे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रमुख मैंने कहा था लीडर ऑफ अपोजिशंस भी हैं तो वो भी सदस्य होंगे ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं जैसे कि अभी हमने देखा लेकिन जो फिफ्थ ऑप्शन है राज्यों के राज्यपाल वो इसके सदस्य नहीं होते हैं और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केवल पांच बाकी चार इनके सदस्यों में शामिल हैं दे आर इंक्लूडेड इन दोज वन फोर्टी सेवन मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल सो आंसर गोज विथ ऑप्शन डी केवल पांच सो लेट इज नाउ मूव ऑन क्विकली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कथन कारण का एक क्वेश्चन है असरशन उसके जो रीजन uh, होता है असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट एंड रीजन उस पर से एक क्वेश्चन है और दिया गया है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछा है भारत ने लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर कड़े नियंत्रण लगाए हैं ये कथन है और कारण दिया गया है भारत में लोक सेवकों को मतदान का अधिकार है और आप जानते होंगे कथन कारण के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसा होता है ऑप्शन में कि आपको ये पहचानना रहता है कि कारण और कथन के पहले तो स्टेटमेंट सही है कि नहीं कारण कथन की व्याख्या करता है कि नहीं करता है तो इसमें हमेशा ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे जैसे आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है कथन और कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की व्याख्या करता है मतलब जो पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या करता है ये पहला आपका ऑप्शन है दूसरा है कि दोनों इंडिविजुअली सही हैं पर जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता तीसरा है कथन सही कारण गलत और चौथा है कथन गलत कारण से मतलब स्टेटमेंट ही सही और ट्रू और फॉल्स के बारे में दिया हुआ है तो देखिए मैंने आपको अभी अभी कहा कथन कारण के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो ये देखना रहता है कि इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है ठीक और उसके बाद आपको ये देखना रहता है कि सेकेंड वाला जो रीज़न है वो स्टेटमेंट का रीज़न प्रोवाइड कर पाता है कि नहीं तो अगर हम स्टेटमेंट देखें भारत ने लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर कड़े नियंत्रण लगाए हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ठीक है बिकॉज पब्लिक सर्वेंट्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पीपल दे आर हैविंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट उनका जो पोस्ट होती है वो काफ़ी उत्तरदायित्व वाली होती है इस वजह से उनकी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है उन पर कड़े नियंत्रण लगाए हैं भारत सरकार ने तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है जो कारण में लिखा हुआ है वो ये है कि भारत में लोक सेवकों को मतदान का अधिकार है तो देखिए लोक सेवक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के नागरिक नहीं हैं लोक सेवक भी भारत के नागरिक होते हैं और इस वजह से जिस तरह से सभी को यहाँ पे वोट डालने का अधिकार है इसी तरह लोक सेवको सेवकों को भी मतदान का अधिकार प्राप्त होता है तो अगर इस तरह से हम देखें तो ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है तो स्टेटमेंट वन भी राइट है स्टेटमेंट टू भी राइट है लेकिन अब हमको ये देखना है। मतलब आपका ऑप्शन सी और डी तो गलत हो गया क्योंकि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है ठीक है नियंत्रण रखा गया वो भी सही है और इनको वोट डालने का अधिकार है ये भी सही है अब आपको ये देखना है कि ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को आ, का रीज़न देता है कि नहीं उसकी व्याख्या करता है कि नहीं तो भाई भारत में लोक सेवा को मतदान का अधिकार है वो तो ठीक है पर इसका कोई भी लेना देना पहले वाले स्टेटमेंट से नहीं है अगर एक लोक सेवक को मतदान का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोक सेवक को के राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित होता है तो इस तरह से सेकेंड इज़ नॉट द रीजन ऑफ द स्टेटमेंट वन इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कथन की व्याख्या कारण नहीं करता है ठीक है तो राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण जरूर है पर ये जो कारण लिखा है वो बिल्कुल गलत कारण है मतलब ये है कि स्टेटमेंट सही है पर उसकी व्याख्या वो नहीं करता so, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी दैट क्लियर लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है और उसमें क्वेश्चन पूछा है कि राज्य के राज्यपाल भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित कर सकता है द स्टेट गवर्नर कैन रिजर्व बिल फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आपके ऑप्शंस दिए हैं 201, 257, वन टू फिफ्टी सेवन तो क्या होगा इसका आंसर यस yes. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल टू हंड्रेड देखिए आप सब जान जान ही चुके होंगे कि ये गवर्नर के चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और गवर्नर की वीटो शक्ति से ये क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी जानते हैं कि जब विधानसभा से कोई विधेयक पारित होता है और गवर्नर के पास अनुमति के लिए आता है तो गवर्नर के पास साइन करने के अलावा कुछ वीटो शक्तियाँ भी होती हैं आर्टिकल टू के तहत वो या तो उस पर साइन कर देता है या सदन के पास उसे वापस भेज सकता है या उसे सुरक्षित रख सकता है मतलब बिल्कुल राष्ट्रपति के जैसे ही गवर्नर किसी बिल पर किसी विधेयक पर फैसला अलग अलग तरीकों से ले सकता है या तो उसे साइन कर दे या एप्सल्यूट वीटो के तहत या अत्यंतिक वीटो के तहत उसे सुरक्षित कर दे विथहोल्ड कर दे या सस्पेंसिव वीटो के तहत या आपका निलंबनकारी वीटो के तहत वो विधानसभा में उसे वापस भेज दे और आप जानते हैं कि जब वो वापस भेजेगा तो जब दोबारा उसके पास आएगा तो उसे साइन करना ही पड़ेगा ये भी ऑप्शन वो कर सकता है ठीक और उसके अलावा गवर्नर को एक खास वीटो भी दिया गया है जो राष्ट्रपति के पास भी नहीं है और वही वीटो का विवरण जो है अनुच्छेद 201 में दिया गया है और उसका स्टेटमेंट वही है जो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है गवर्नर के पास ये ऑप्शन भी होता है कि जब कोई विधेयक उसके पास आए और वो उस पर निर्णय लेने के लिए केपेबल के ना हो या उसे ऐसा लगता है कि उस विधेयक पर राष्ट्रपति की भी कही न कहीं ना कहीं एडवाइस जरूरी है राष्ट्रपति का हस्तक्षेप जरूरी है तो वैसे विधेयक को राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करने के लिए सुरक्षित कर सकता है उसके बाद उस विधेयक का अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही करेगा राष्ट्रपति के पास जब वो फॉरवर्ड कर देता है अंडर आर्टिकल 201, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे अनुमति दे दे यानी कि उस बिल पर साइन कर दे विधानसभा के बिल की बात हो रही है ना या तो उसे साइन कर दे या तो वो वापस भेज दे विधानसभा के पास जैसे कि सस्पेंसिव वीटो होता है पर हाँ यहाँ ध्यान ये रखें कि अगर राष्ट्रपति विधानसभा के पास वापस भेजता है और विधानसभा बिना कोई चेंज किए या चेंज किए राष्ट्रपति के पास वापस भेजती है तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसे सहमति देने पर मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ अगर आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति गवर्नर की वीटो शक्ति तो उसमें ध्यान रखना जो सस्पेंसिव वीटो नॉर्मल वाला होता है गवर्नर विधानसभा के लिए जो इस्तेमाल करता है और राष्ट्रपति संसद के लिए जो इस्तेमाल करता है उसमें ऐसा है कि एक बार पुनर्वलोकन करने के बाद जब इन हेड्स के पास वापस आता है वो बिल तो इनको साइन करना ही पड़ता है है ना संसद से जब बिल आया एक बार पुनरावलोकन के पास निलंबनकारी वीटो इस्तेमाल कर दिया और पुनरावलोकन के बाद जब राष्ट्रपति के पास आता है तो सेकेंड टाइम राष्ट्रपति वीटो इस्तेमाल नहीं करता उसे साइन करना ही पड़ता है आप जानते होंगे सेम इज द केस विद गवर्नर अभीब ने कहा कि अगर विधानसभा का कोई बिल आया गवर्नर ने सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया विधानसभा को वापस लौटाया और विद इन फोर्टीन डेज जब वो विधानसभा से वापस गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर को भी साइन करना ही पड़ता है ये सब पढ़ते पढ़े हैं आपने निलंबनकारी वीटो कहते हैं हमें से लेकिन यहाँ बात हो रही है कि एक विधानसभा यानी स्टेट लेवल के हाउस का बिल गया राष्ट्रपति के पास अब राष्ट्रपति ने अगर उस बिल को वापस पुनर्वलोकन के लिए विधानसभा को भेजा और जब ही पुनर्वलोकन हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के केस के में अब कंपलसरी नहीं रहता कि वो उसे साइन करे ही वो उसे दोबारा वापस भेज सकता है वो उसे रिजेक्ट कर सकता है और गवर्नर का यहाँ पे रोल पूरी तरह ख़त्म हो जाता है इज़ दैट क्लियर सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द स्पेशल वीटो पावर ऑफ गवर्नर मैंशनड इन आर्टिकल टू ठीक है दैट इज़ इट विद एक्सप्लेनेशन लेट इज़ नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है इम्पीचमेंट से क्वेश्चन है ध्यान से स्टेटमेंट्स को देखिए और आपको कुछ कोड्स दिए हैं उनसे आपको आंसर करना है महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है इट कैन बी ब्रॉट इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट महाभियोग केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन लोकसभा महाभियोग सदन के एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए वन फोर्थ मेंबर्स का इसमें एसेंट होना चाहिए प्रस्ताव को संसद के कुल सदस्यों की दो तिहाई के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए चार स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन राइट हैं केवल के एक केवल दो एक तीन चार और एक दो चार क्या होगा इसका आंसर यस इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वन थ्री एंड फोर मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है थर्ड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है सेकेंड गलत है पहला सही है क्योंकि इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेटमेंट इसी को अपोज करता है राष्ट्रपति का महाभियोग जो कि अनुच्छेद इकसठ में दिया गया है उसमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि ये जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग की ये लोकसभा में भी लाई जा सकती है और राज्यसभा में भी लाई जा सकती है तो इस तरह से आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट तो सही है पर दूसरा स्टेटमेंट में लिखा है कि केवल लोकसभा प्रस्तुत कर सकती है तो यहीं पर वो पहली स्टेटमेंट को अपोजिट है इसलिए स्टेटमेंट गलत होगा सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा उसके अलावा आप इस पूरे प्रोसेस को मैं अगर जल्दी से बताऊं तो भी राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के उल्लंघन पर दोनों में से किसी भी सदन पर लाया जा सकता है ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसे लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य फाइनली मिलकर डिसाइड करते हैं मतलब इसमें इलेक्टेड लोग भी हिस्सा लेते हैं और नॉमिनेटेड लोग भी भले राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनी सदस्य हिस्सा नहीं ले रहे थे पर इसमें नॉमिनेटेड लोग भी हिस्सा लेते हैं ठीक जब ये कोई सदन में आता है चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो तो एक चौथाई सदस्यों की सहमति चाहिए रहती तभी महाभियोग जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है आगे की डिस्कशन और वोटिंग के लिए उसके बाद एक चौदह दिनों का नोटिस पीरियड दिया जाता है राष्ट्रपति को और उसके बाद दोनों सदनों में वोटिंग होती है और वोटिंग जो होती है उसमें विशेष बहुमत अगर मिला जो कि टोटल जो मेंबरशिप है उसके दो तिहाई एटलीस्ट होना चाहिए अगर वैसा मिला तभी महाभियोग का बिल पास हो सकता है क्या कह रही हूँ मैं कि जब डिस्कशन हो गया महाअभियोग के ऊपर उस चार्जेस के ऊपर और फाइनली जब वोटिंग होगी लोकसभा और राज्यसभा में तो जो चौथा स्टेटमेंट कहता है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई का बहुमत होना चाहिए और वही चीज़ राज्यसभा में भी होना चाहिए राज्यसभा के कुल सदस्यों को दो तिहाई बहुमत होना चाहिए अगर दोनों ही सदनों में सेपरेटली ऐसा बहुमत मिलता है तो राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत कर दिया जाता है वरना नहीं इज दैट क्लियर मैंने शॉर्ट में आपको महाभियोग बताया और इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हैं आ, आ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये जो स्टेटमेंट सही सही है सेकेंड स्टेटमेंट गलत है इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी वन थ्री एंड फोर इज दैट क्लियर लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एट और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना एक निश्चित अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकती है उस समय सीमा की अवधि क्या है मतलब ये किस पर से क्वेश्चन है देखिए Uh, जो मेंबर है उसकी सीट वेकेंट कैसे हो सकती है पार्लियामेंट में संसद में सांसद की सीट वेकेंट कैसे हो सकती है उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे डिस्कवालिफ़िकेशन के ग्राउंड्स दिए गए अयोग्य कैसे कोई करार दिया जा सकता है तो उसमें से एक निर्योग्यता या अयोग्यता का पैमाना है एबसेंस यदि कोई बिना बताए एब्सकॉन्डिंग जिसे मतलब बिना बताए बिना कोई प्रॉपर रीजन के लिए कुछ दिनों तक के एब्सेंट है तो उसे डिस्कवालीफाई करके उसकी सीट जो है वो रिक्त की जा सकती है ऐसा एक प्रावधान है सांसदों के लिए ठीक है तो सवाल ये पूछा है कि कितने दिनों तक के लिए ये समय अवधि रखी गई है कितने दिनों तक कि अगर वो एब्सेंट रहेगा तो उसे डिस्कवालीफाई कर दिया जाएगा और आपके ऑप्शन दिए गए हैं तीस दिन पैंतालीस दिन दो माह या साठ दिन <laughs> तो कई लोग जिनको इसका आंसर पता होगा वो कहेंगे दो माह तो दो माह नहीं है ठीक है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्सटी डेज सिक्सटी वर्किंग डेज़ ठीक है क्योंकि दो माह इकतीस का भी हो सकता है अट्ठाईस का भी हो सकता है तो मंथ के हिसाब से नहीं गिना जा रहा है ये किस हिसाब से गिना जा रहा है डेज़ के हिसाब से तो इसका आंसर होगा क्या ऑप्शन डी इट वॉज अ सिंपल बट अ ट्रिकी क्वेश्चन तो याद रखिएगा सिक्सटी डेज तक के अगर कोई बिना बताए बिना कोई प्रॉपर रीज़न के लगातार एबसेंट रहता है संसदों की मीटिंग में तो एक प्रावधान है कि उसे डिस्कालीफाई किया जा सकता है और उसकी जो सीट है वो वेकेंट हो सकती है ये प्रावधान केंद्र में सांसदों के लिए भी है और राज्य में विधायकों के लिए भी तो आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्सटी डेज इज क्लियर नॉलेज इज क्विकली मूव ऑन टू द्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन अगेन आप देख सकते हैं संसद में एक विधेयक से और वो है धन विधेयक क्वेश्चन रीड्स एस धन विधेयक हेतु निम्नलिखित कथनों पर विचार करें लोकसभा में ये ओरिजिनेट हो सकता है ये राज्यसभा में ओरिजिनेट हो सकता है सेकेंड स्टेटमेंट है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है इस पर दोनों सदनों की समान शक्ति होती है और क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है तो भाई मनी बिल कौन सा आर्टिकल है मनी बिल आर्टिकल हंड्रेड एंड टेन धन विधेयक या मनी बिल पर से क्वेश्चन है कि इसे जो प्रस्तुत और पास या पारित किया जाता है उनसे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट में सही है तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में ही मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है मनी बिल की पहली क्या शर्त है कि इसे केवल लोकसभा में कोई मंत्री ही पेश कर सकता है तो जो पहला स्टेटमेंट है कि जो इट औरिजिनेट्स इन लोकसभा ये स्टेटमेंट सही है ठीक उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है इट ओरिजिनेट्स इन राज्यसभा जाहिर सी बात है ये गलत है तीसरा है इट रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट बिल्कुल सही देखिए धन विधेयक को लाने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से अलग होती है धन विधेयक को लाने की प्रक्रिया में ये है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कोई मंत्री लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है और जब ये आगे पारित होता है तो इसमें कोई संयुक्त का प्रावधान नहीं होता इस पर लोकसभा की शक्तियाँ ज़्यादा होती है, राज्यसभा की शक्ति नहीं होती राज्यसभा के पास ये विधेयक केवल और केवल औपचारिकता के लिए जाता है और वो भी सिर्फ चौदह दिनों के लिए जाता है छह महीने के लिए नहीं जाता है और वो पास करे चाहे ना करे धन विधेयक को अंतिम रूप से पारित माना जाता है यदि लोकसभा ने इसे पारित कर दिया ठीक है मैंने शॉर्ट में आपको धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया बताई तो इस हिसाब से देखो पहला तो सही है लोकसभा में आता है बिल्कुल सही राज्यसभा में आता है गलत फर्स्ट राइट सेकेंड रॉन्ग राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए करेक्ट चौथा है बोथ द हाउसेज हैव इक्वल पावर ओवर देन ये भी गलत क्योंकि अभी अभी मैंने कहा इस विधेयक के ऊपर लोकसभा की ज़्यादा शक्तियां होती हैं राज्यसभा की नहीं राज्यसभा के पास औपचारिकता के लिए जाता है राज्यसभा अगर उसमें अमेंडमेंट करे कुछ चेंज करे या रिजेक्ट कर दे इसका कोई मतलब नहीं अगर लोकसभा से धन विधेयक पारित हो गया तो मतलब वो पारित हो गया राज्यसभा के रिजेक्ट करने से ना तो संयुक्त सत्र होगा और ना ही ये विधेयक रुकेगा ठीक है तो इस हिसाब से राज्यसभा की शक्ति धन विधेयक के ऊपर कम होती है लोकसभा के बराबर नहीं होती सो बोथ द हाउसेज डू नॉट इंजॉय इक्वल पावर ओवर दिस पर्टिकुलर बिल तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग ठीक है so they, so तो इस हिसाब से आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वन एंड थ्री एक और तीन इट ओरिजिनेट्स इन लोकसभा एंड द थर्ड इज इट रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन बट फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी बिल ठीक Now let us move on to the next question, question number ten. So I have picked few questions from the very important topic Parliament again. Parliament से बहुत सारे questions बनते हैं हमने शुरुआत के जो पांच सात सवाल देखे वो अलग अलग topics से थे और अभी ये जो questions देख रहे हैं हम वो दो चार questions संसद से related हैं क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा variety of questions बनते हैं और आते भी हैं तो देखिए ये question भी बहुत simple सा question है again a very easy to pick. कोरम जो रिक्वायरमेंट होती है गणपूर्ति की जो रिक्वायरमेंट होती है राज्यसभा में वो कितनी है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं पचपन पैंतालीस पच्चीस की पैतीस क्या होगा इसका आंसर आई होप ईच वन ऑफ यू इज वूइंग द वीडियो कैन आंसर इट क्या होगा इसका आंसर Yes, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ट्वेंटी फाइव पच्चीस क्वेश्चन क्या पूछा है राज्यसभा में कोरम कितना होता है तो आप सभी जानते हैं कि कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है उस दिन की सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या आवश्यक होती है उसी को आप गणपूर्ति या लैटिन में कोरम कहते हैं द मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्टिंग द बिजनेस ऑफ दैट डे इन बोथ द हाउजेज और ये कितना होता है वन टेंथ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो भी उस सदन की कुल स्ट्रेंथ uh, है उसका एक बटे दस तो लोकसभा में हम करीब करीब साढ़े पाँच सौ लेते हैं तो लोकसभा में ये कोरम होता है एक बटे दस मतलब पचपन और राज्यसभा में क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी सदस्यता दो सौ पचास की है मैक्मम तो उसमें हम वन टेंथ के हिसाब से ले लेते हैं पच्चीस ठीक तो है तो साढ़े पांच सौ कामने साढ़े पाँच सौ का अप्रोक्सीमेटली लिया और वन हमने यहाँ पे ढाई सौ का अप्रोक्सीमेटली लिया ठीक है तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा में कितनी गणपूर्ति आवश्यक है वो है पच्चीस ठीक है आई वोट बी एक्सप्लेनिंग इट मोर इट इज अ वेरी सिंपल टर्म टू अंडरस्टैंड लेट इज नाउ क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर इलेवन सो क्वेश्चन नंबर इलेवन है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए मिनिमम रिक्वायर्ड आपका तीस वर्ष से कम नहीं चालीस वर्ष से कम नहीं पैंतीस वर्ष से कम नहीं या कोई भी आयु निर्धारित नहीं है द क्वेश्चन इज कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उससे रिलेटेड लिखा है व्हाट इज एज प्रिस्क्राइब फॉर अ पर्सन अब इसमें एज प्रिस्क्राइब क्या लिखा है और ऑप्शन से आपको दिखाना है देखना है कि क्या इसका सही आंसर है तीस वर्ष से कम नहीं होना चाहिए चालीस से कम नहीं होना चाहिए पैंतीस से कम नहीं होना चाहिए कोई एज प्रिस्क्राइब नहीं है क्या होगा इसका आंसर यस yes. इसका आंसर होगा डी कोई आयु निर्धारित नहीं है मतलब एक्चुअली इसमें ये पूछा है कि क्या कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए तो इसका आंसर होगा नहीं मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए और जजेस ऑफ हाई कोर्ट के लिए बस एक मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है मतलब कि रिटायरमेंट एज दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर किसी को जज बनाया जाता है तो वो मैक्सिमम 65 फाइव ईयर्स तक के सेवा में रह सकता है और अगर कोई हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है तो वो मैक्सिमम सिक्स टू टू ईयर्स तक के सेवा में रह सकता है मतलब द रिटायरमेंट एज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजेस सिक्सटी फाइव ईयर्स एंड द रिटायरमेंट एज ऑफ अ हाई कोर्ट जजेस सिक्सटी टू ईयर्स सो मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब की गई है मिनिमम एज नहीं कितने भी एज में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बनाए जा सकते हैं ठीक है अ वेरी सिंपल टॉपिक अगेन आई एफ स्पेक्ट बहुत सिंपल स्टाइम है ये जुडिशियरी से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कोई भी मिनिमम एज निर्धारित नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोई आयु निर्धारित नहीं नॉलेट इज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन दिया है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें प्रोटेम स्पीकर जो अस्थाई स्पीकर दिया जाता है के बारे में कहा गया संसद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड सही है पहला है ये एक टेम्पररी पोस्ट होगी ठीक है प्रोटेम स्पीकर कौन होता है पहले तो समझें जब नव निर्वाचित नवगठित लोकसभा होती है और स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ रहता है तो जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे टेम्पररी तौर पर अंटिल द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ दैट हाउस टेम्पररी यानी अस्थाई तौर पर स्पीकर बनाकर रखा जाता है तो इस हिसाब से देखिए वही प्रोटेम स्पीकर होता है ना तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है ये एक अस्थाई पद है बिल्कुल सही ये टेम्पररी तौर पर है जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर ऑटोमेटिकली हट जाएगा तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है दूसरा स्टेटमेंट नवनिर्वाचित लोकसभा में नए सदस्यों को शपथ दिलाना बिल्कुल सही जब प्रोटेम स्पीकर पद पर आता है मतलब कि जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ रहता तो सबसे पहला काम यह होता है कि इसके सामने ही जितने भी नवगठित लोकसभा के सांसद हैं उन्हें शपथ दिलवाई जाती है और शपथ लेने के बाद ही स्पीकर का चुनाव होता है और नया स्पीकर अस्तित्व में आता है पद पर आता है तो इसका मतलब है कि शपथ ग्रहण समारोह जो सांसदों का है वो प्रोटेम स्पीकर के अधीन ही किया या करवाया जाता है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी इसका बिल्कुल सही तीसरा है आपका इट इनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर बिल्कुल सही जब ये स्पीकर पद पर रहता है प्रोटेम स्पीकर तो इसी के पद पर रहते हुए ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन की डेट डिसाइड होती है और इसके ही अध्यक्षता में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होता है उसका इलेक्शन करवाया जाता है तो नए अध्यक्ष को चुनने में सदन को सक्षम करता है ये भी स्टेटमेंट सही है और चौथा है आपका नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता करता है ये तो हमने सबसे पहले कहा कि ये जो है सीनियर मोस्ट मेंबर है लोकसभा का उस वक्त का स्पीकर नहीं चुना गया तो नव निर्वाचित लोकसभा की जो पहली मीटिंग होती है उसमें ये सीनियर मोस्ट मेंबर को स्पीकर बना के बैठा दिया जाता है और इसलिए उस दिन की मीटिंग की अध्यक्षता यही करता है तो इस हिसाब से प्रोटेम स्पीकर की से रिलेटेड ये सारे के सारे चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं तो आपका जो ऑप्शन सी है देखिए उसमें दिया है वन टू थ्री एंड फोर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इज दैट क्लियर मैंने स्टेटमेंट वाइज ये आपको और प्रोटम स्पीकर बता दिया है कहीं कोई और डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं ठीक सो दैट इज इट दीस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आई वांटेड टू डील टुडे विल बी बैक टुमारो एट 800 एम शार्प विद फ्यू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटी एंड Constitution थैंक यू सो मच सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें